बारवाटी स्टेडियम नवीकरण कार्यर घोषणा कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एहि अवसर रे अनुष्ठित होइतला बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कर नाइक। स्टेडियम में आने वाले 3 साल के बाद जो वो बन जाएगा तो बड़ा मजा आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे आके जो मैंने स्टेज पे बात की उसमें मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि जो उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन ने यहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो विजन बनाया है स्पोर्ट्स के लिए, वो मुझे लगता है तो आने वाले सालों में उड़ीसा के बहुत सारे खिलाड़ियों को, चाहे वो क्रिकेट में हो या स्पोर्ट्स में हो, बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। और मेरी मुबारक बात प्रेसिडेंट साहब को, सेक्रेटरी साहब को। इस तरह का बार बार कार्यक्रम आप देखना चाहेंगे तो आप बोले 5 साल में इंतजार होगा, कोई नया पीढ़ी आएगा। मैंने क्रिकेटर की बात बताया, जो क्रिकेटर है या स्पोर्ट्समैन है, अगर आप फैसिलिटीज अच्छी बना देते हैं, जो विजन है उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन का, अब वो विजन में अगर आप इतना बड़ा विजन में जब आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में सबको खिलाते हैं। पहले जो मैं एक जम्मू कश्मीर क्रिकेट में 2 साल इन्वॉल्व था एज ए मेंटर, वहाँ पे मैंने यही देखा था कि डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के पास बहुत भूख है खेलने के लिए, और वहाँ पे आप उनको प्लेटफॉर्म दे दोगे तो लड़के बहुत आगे आएंगे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टैलेंट है, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर आ जाएगा जिस तरह से आने वाला है तो बहुत फायदा होगा आप सबको। दीपक जी कैसे देख रहे हैं टीम इंडिया में इस तरह से जुड़ेल खेल रहे हैं सरफराज? देखिए वो जुड़ेल का तो मैं दीवाना हो गया हूँ, क्योंकि जुड़ेल ने जिस तरह से मैच जिताया अपने दूसरे टेस्ट मैच में, ये हर कोई आके नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल समय में आके मैच जिताया, तो उनको उनकी फैमिली को मुबारकबाद। और मुझे लगता है कि भारत को एक गिरा ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେମିତି ସବୁ ସବୁ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଦେଖିବେ ସବୁ ରିନୋଭେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ତା'ର ପାରମ୍ପରିଆ ରହୁଛି, କେଉଁଠି ମ୍ୟାଚେସ୍ ହେବ କେଉଁଠି ମ୍ୟାଚେସ୍ ହେବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଲେ କାହିଁ ଆସିବିନି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ସମୟ ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି 41ଟା ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ ହେଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି 41ଟା ଏକାଡେମୀ କଲେ ଆଜି କହିଲେ କାଲି ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବ ସେଇଟା ନୁହଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା କି ଆନାଦର 4-5 ଇୟର୍ସ ଯେମିତି କହିଲେ। नेहांक परफॉर्मेंस रे खूब जमी उठिला बारवाटी स्टेडियम परिसर। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड मिरर।